अस्सलाम वालेकुम। आज के कोरल ड्रॉ के इस ट्यूटोरियल में हम आउटलाइन के बारे में जानते हैं कि आउटलाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, उसकी थिकनेस, उसके कलर्स, उसके स्टाइल्स, ये सब कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री हैंड टूल। देखो, दो टूल से ना हम आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक फ्री हैंड टूल और एक पेन टूल। पहले हम फ्री हैंड टूल के बारे में देखते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है F5 है। आप कीबोर्ड से अगर F5 प्रेस करते हो तो फ्री हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्री हैंड टूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये फ्री हैंड टूल है, यानी कि आप फ्री ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करने जाओगे ना तो यहाँ पर कुछ 19-20 है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको जिगजैग जैसा भी इफेक्ट मिल सकता है। तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ना आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करना होगा और जहाँ तक आपको आउटलाइन लेकर जाना है कंट्रोल की प्रेस करके आपको वहाँ तक आउटलाइन लेके जाना है, यानी कि लाइन लेकर जाके छोड़ देना है। तो ये आपको जो है ना एकदम स्ट्रेट आपको यहाँ पर आउटलाइन मिलेगी, ये देखिए स्ट्रेट। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे थिकनेस आपको मिलती है। जैसे आप क्लिक करोगे हम यहाँ पे थिकनेस में जाकर इसका थिकनेस देख सकते हैं, ये देखिए। कलर चेंज करना हो तो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि आउटलाइन कलर के लिए हमको कलर के ऊपर राइट क्लिक करना होता है। जैसे हम राइट क्लिक करोगे ना तो वो कलर वहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। और अगर कलर आपको रिमूव करना है तो कलर रिमूव करने के लिए हम लोग ये क्रॉस जो दिख रहा है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। लेकिन अभी मैं जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो हमारा फिल कलर चले जाता है, जो आउटलाइन पे जो फिल कलर था वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर से इसे ब्लैक करता हूँ, ये हो गया ब्लैक। थिकनेस अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप थिकनेस इसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने थिकनेस 5 mm रखा है इसलिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बताना है हमको। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो देखिए आउटलाइन के ना स्टाइल्स मिलेंगे एरो में आपको। जैसे ही मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये एक एरो स्टाइल आ गया आपका लेफ्ट साइड। अभी आप क्लिक करोगे ये राइट साइड। ऐसे स्टाइल्स भी अगर आपको देने हैं आउटलाइन के तो आप दे सकते हैं। मिडल पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, मैं एरो निकाल देता हूँ यहाँ से, यहाँ से भी एरो निकालते हैं, ये देखिए। उसके बाद थिकनेस थोड़ी कम करते हैं हम, ये देखिए यहाँ से भी एरो हमने निकाल दिया। तो ऐसे डैशेस जो है ना आपको अगर ड्रॉ करना है आउटलाइन में तो आप आउटलाइन में डैशेस ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये देखिए, ये भी डैशेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ना आउटलाइन का जो है ना थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो है ना आप आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करने से जो है आउटलाइन कलर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये हो गया फ्री हैंड टूल से हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है, यानी कि लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आते हैं पेन टूल। पेन टूल से भी जो है ना हम आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, पेन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शिफ्ट की प्रेस करके आगे जाना है। शिफ्ट की, याद रखिए, शिफ्ट की का यूज़ करना है। फ्री हैंड टूल में हमने कंट्रोल की का यूज़ किया था और यहाँ पर पेन टूल में हमको शिफ्ट की का यूज़ करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद एंड पॉइंट पर आना है और यहाँ पर आकर आपको डबल क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है। जब जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपकी आउटलाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। आउटलाइन को आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप पिक टूल पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप उसका आउटलाइन का जो है वो साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से पिक टूल पे क्लिक किया यहाँ पर, और आउटलाइन को अगर आपको रोटेट करना है तो उसी आउटलाइन के लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जिस एंगल में आपको रोटेट करना है उस एंगल में आप लाइन को रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी जो है ये 360 थी, 90 थी, उसके बाद मैंने इसको रोटेट किया है। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप आउटलाइन का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में, अपने ऑब्जेक्ट में या भी जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें उसका यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं और भी टूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जज़ाकअल्लाह।